कण में राधा बसी, उस कण में बसे कृष्ण सदा से। कृष्ण है वंशी तो राधा कान मतवारी, कृष्ण है श्रेष्ठा तो राधा सृष्टि है सारी। कृष्ण बिना राधा का पूरा महासंभव है, कृष्ण यदि परमानंद पूरा महापूजव है सदा से। Krishna Radhe, Jai Radhe Krishna Radhe, Jai Radhe Krishna Radhe, Jai Radhe Krishna Radhe, Radhe Krishna Radhe, Krishna Radhe, 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 Krishna Radhe, Jai Radhe.
Radhe Krishna Radhe Jai Radhe Krishna Radhe खट भोरी भारी राधे कृष्ण बड़े निष्ठुर दया मई राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण तो है टेढ़े मेढ़े सीधी साधी राधे कृष्ण तो है प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधे उनसे प्यारी राधे उनसे प्यारी राधे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe Krishna.
Radhe Krishna Radhe Radhe Govind, Radhe Govind, Govind.
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
कृष्ण गावे मुरली में गुण गन राधे कृष्ण को जो पाना चाहो रट राधे राधे भजे कृष्ण 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 भजे राधे कृष्ण भज या कृपालु भज राधे राधे भज राधे राधे भज राधे राधे गोपी प्रेम दिला दे
Radhe Govind, Radhe, Radhe Govind, Govind 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 Radhe. Teri chhavi dhyaun nit aisi bana de, 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 jit dekho tu hi dikhe aisi bana de. Radhe Govind, Govind, Radhe, Radhe Govind, Radhe, Radhe Govind, Radhe, Radhe Govind, Govind, Radhe, Radhe Govind, Govind, Radhe, Radhe Govind, Govind, Radhe, Radhe Govind, Govind, Radhe Radhe Govind, Govind Radhe, Radhe Govind, Radhe, Radhe Govind, Radhe, Radhe Govind, Govind Radhe, Radhe Govind, Govind Radhe, Radhe Govind, Govind Radhe, Radhe Govind, Govind Radhe, Govind, 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 Radhe,
Love.
মারবেন भजन के साथ साथ तत्व ज्ञान भी परम आवश्यक है। अगर हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं होगा, हम समझेंगे ही नहीं हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तो हम ठीक से साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा था, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। तत्व ज्ञान को समझने में आलस्य मत करो, ठीक ठीक शास्त्रों को समझ जाओ, इनमें क्या ज्ञान दिया। रामायण में कहा है, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान। बिना ज्ञान के भगवान से प्रेम नहीं होगा। कर्ण धार बिनु जिमी जल यान। जैसे एक जल यान नौका में कर्ण धार चाहिए होता, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में तत्व ज्ञान अनिवार्य है। वेद कहता है कि शास्त्र उपनिषद धनुष, उस पर भक्ति का बाण लगाओ और बाण की धार भाव की हो। इसके साथ फिर परात्पर तत्व को बेधने के लिए चलो। अतः हमें शास्त्रों से भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्त करना है। तो क्या ज्ञान प्राप्त करना है? वैसे तो अनंत प्रकार का ज्ञान है, किंतु अगर उसे संक्षिप्त में समझना हो तो बस दो चीजों के ज्ञान से हमारा काम बन जाएगा। पहला, मैं कौन, और दूसरा, मेरा कौन। बस इतनी सी बात है, मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं नाम का एक तत्व है। हम लोग सदा अनुभव करते हैं
मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन लग रहा है, ये मैं की अनुभूति हमें सदा रहती है। और साथ ही हम ऐसा भी बोलते हैं, मेरा, मेरी आंख में दर्द हो रहा है। तो जो मेरा होता है वो मैं से पृथक है, वो मैं का है, संबंध कारक। जैसे कोई कहे मेरा घर, इसका मतलब मैं घर नहीं हूं, वो मैं का है। मेरे पिताजी तो मैं पिताजी नहीं हूं। तो ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के लिए हम मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वामी जी, मेरा शरीर अस्वस्थ था इसलिए मैं प्रवचन में नहीं आया। मेरा शरीर तो तुम शरीर नहीं हो। मेरा मन कुछ भटक गया था प्रवचन सुनते सुनते। मेरा मन तो तुम मन भी नहीं हो। आपकी बात मेरी बुद्धि की समझ में आ रही है। मेरी बुद्धि तो आप बुद्धि नहीं हो, ये आपकी है। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इसके लिए हम मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब मैं तत्व इन सबसे पृथक कुछ है। उसी मैं तत्व को हमारे शास्त्रों ने आत्मा शब्द से उतारा। आत्मा जीव, सोल, स्पिरिट, ये आत्मा शब्द अत धातु से बनता है। और अत धातु का अर्थ है व्यापक। तो आत्मा तत्व शरीर में व्याप्त है। आत्मा के कारण शरीर में चेतना है। जब आत्मा निकल जाएगी ये शरीर जड़ हो जाएगा, सम हो जाएगा। लोग कहेंगे इसको जला दो, मिट्टी हो गया। जब कोई मरता है लोग कहते हैं हम उसकी माटी में गए थे। कहाँ है माटी? उसका जो शरीर है वो ही माटी है। अरे कल तो आप इतना सम्मान करते थे, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, आज आप उसको माटी बोलते हैं? नहीं साहब, जब तक आत्मा अंदर थी तो शरीर की वैल्यू थी। आत्मा निकल गई वो सब मिट्टी हो गए, राजा, रंक, फकीर। तो शरीर में जो चेतना है वो आत्मा के कारण है। आत्मा के कारण आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सुनती है, ये सब कार्य आत्मा की उपस्थिति से होते हैं। चेतना का गुण आत्मा से आता है संपूर्ण शरीर में। अब आप पूछ सकते हैं कि आत्मा तो हृदय में रहती है। जी हाँ, हृदय ही एव आत्मा वेद कहता है कि आत्मा का निवास हृदय में है। तो फिर उसका गुण सारे शरीर में कैसे फैल गया? अगर आपकी उंगली में कांटा चुभा है, क्या हो गया? दर्द हुआ स्वामी। इसका मतलब उंगली की चेतन है। यहाँ पे दर्द नहीं है, यहाँ पे है। तो आत्मा की चेतना पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा कैसे हुआ?
वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र में लिखा है अविरोधश्चंदनवत्। देखिए आप ललाट पे चंदन लगाते हैं उसकी शीतलता पूरे शरीर में आ जाती। आपको पूरे शरीर में चंदन नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही वो आत्मा एक जगह रहते हुए पूरे शरीर को चेतन कर देती है। अब कोई कहे कि चेतना तो आत्मा में है, अब वो आत्मा ने शरीर को चेतन कर कैसे दिया? तो वेद व्यास ने दूसरा सूत्र ब्रह्म सूत्र बनाया व्यतिरेको गंधवत्। देखिए जैसे सुगंधी फूल में होती है, लेकिन अगर बगीचे में फूल हो पूरा बगीचा उसकी सुगंध से महक जाता। वो फूल ने अपना गुण संपूर्ण बगीचे को दे दिया। ऐसे ही आत्मा ने भी अपनी चेतना पूरे शरीर को दे दी। तो एक बात क्लियर हुई, मैं कौन? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसको भूले हुए, हम लोग ये ज्ञान नहीं रखते मैं आत्मा हूं। भले मुंह से बोल दे, हमारा ज्ञान तो यही है मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, उड़िया हूं, बंगाली हूं, गुजराती हूं, मारवाड़ी हूं। ये शरीर की उपाधि को हम मैं मान रहे हैं। मैं मैनेजर हूं, फोरमैन हूं, सुपरवाइजर हूं। ये ऐसी बात है कि एक ड्राइवर गाड़ी में बैठा हो, आप पूछे ड्राइवर से तुम कौन हो, कह देखिए साहब मैं मारुति गाड़ी हूं। मैं विचित्र ड्राइवर हो, गाड़ी मारुति है तुम मारुति नहीं हो। आप उसको आप टोयोटा में बिठा ले, अब तुम कौन हो, कहता मैं टोयोटा हूं। तो अगर ड्राइवर अपने को कार मानेगा, आप कहेंगे ये घोर अज्ञान है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। भगवान के अंश विशुद्ध दिव्य है और हम इस मिट्टी का जो शरीर है उसको मैं मान रहे हैं। अब मैं को भूल गए, यहां पर मामला समाप्त नहीं हुआ। एक बार हमने मैं को शरीर मान लिया तो फिर सारा गणित गलत हो जाता।